मिर्ज़ाई शिकार है, विद्यार्थी फरार है, दुश्मन फिका की तो चीख और पुकार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال إن الرسالة والنبوة قد انقضت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر तेरा दिन अरफा व आला शरीयत ख़त्म है तुझ पर। मुकर्रम सामईन वाजिब अहतराम लायक तकरीम हज़रत असातिज़ा इकराम और चमन रियाज़ुल उलूम के नौ शगुफ्ता फूलों, मैं आज की इस मुसाबकती बज़्म में अपने मुशफिक मुरब्बी असातिज़ा की तौजीहात आलिया के नतीजे में खड़ा हो चुका हूँ, वरना मेरी क्या हकीकत और क्या मजाल के मैं आप जैसे इल्मी व सलाहती हजरात के सामने कुछ लब कुशाई करूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं इब्तदाई तालिब इल्म हूँ। सही तौर पर अपने माफी ज़मीर की अदायगी के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं। इन टूटे फूटे चंद तमीदी कलिमात के बाद अब मैं रोहे सुखन को अपने मकसद असली की तरफ घुमाता हूँ। अजीज़ान मिल्लत, आज मेरी तकरीर का अनवान है ख़त्म नबूवत व कुरान व हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अंबिया व रसूल को मबऊथ फरमाया और उन पर वही नाजिल फरमाई ताकि वो उलूही पैगाम पर अमल पैरा होकर अपने उम्मतों के सामने लायक तकीन नमूना पेश कर सके। नबूवत और रिसालत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। खल्लाक़ आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन के लक़ब से सरफराज फरमाया, जिसका मतलब यह है कि आप हर आलम के लिए रहमत किबरिया है। इसके अलावा रब्बे करीम ने हुजूर सय्यदुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुबी की तकमील फरमा दी और वही जैसी नियामत को तमाम कर दिया और इस्लाम जैसे आलमगीर अबदी और मुतहरिक दिन को रहती दुनिया तक के लिए अपना पसंदीदा दिन करार दे दिया। कुरान मजीद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने का ऐलान इस आयत करीमा में किया गया। ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। محمد صلى الله عليه وسلم तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है बल्कि खुदा के पैगंबर और उनकी नबूवत की और उनके नबियों। محمد صلى الله عليه وسلم तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है बल्कि खुदा के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी उसे खत्म कर देने वाले हैं और खुदा हर चीज से वाकिफ है। कुरान हकीम में 100 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो इशारतन किनायतन अक़ीदे ख़त्म नबूवत की तायद तस्दीक करती है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दद और मुतवातिर हदीस में ख़ातमुन नबीन का यही माना मुतअन फरमाया है। लिहाजा क़यामत तक किसी कौम मुल्क ज़माने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी या रसूल की उदत बाकी नहीं और मशीयत इलाही ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले नबूवत और रिसालत की आखिरी कड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़मान हक से अपनी ख़त्म नबूवत का वादे अल्फाज ऐलान फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक से मरफूआ रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून इन्नर रिसालत वन्नबूवत क़द इन्क़दअत फ़ला रसूल बादी वला नबिय्या। अब नबूवत और रिसालत का इनकता अमल में आ चुका है, लिहाजा मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई भी नबूवत का दावा करे वो झूठा मलऊन और इबलीस के नापाक अज़ाइम का तर्जुमान होगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے داروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین، میری امت میں 30 اشکال کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک کذاب گمان ہوں گا کہ وہ نبی ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنی بات کہ اپنی دیکھو ختم کرتا ہوں، ایک شعر پر اپنی دیکھو ختم کرتا ہوں، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا مصطفیٰ کے بعد، وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عربی انڈریس، اسلامک فیشن، عربی دقلات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی عربی انڈریس، ابراہیم پورا، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔